करनाल के डीएवी बीएड कॉलेज ने हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही नई तालीम शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नई तालीम कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। डीएवी बीएड कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि महात्मा गांधी द्वारा नई तालीम के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत विद्यार्थियों को सिर्फ शिक्षित नहीं किया जाता परंतु उनको रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं, जिसके चलते यह नई तालीम शिक्षा प्रणाली लगभग पूरी तरह लुप्त हो गई थी। नई तालीम को दोबारा से शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ते हुए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बीएड कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे नए अध्यापक इस प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में जाएंगे और वहां की परिस्थितियों के अनुसार ही उनको शिक्षा देंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए टीमों का गठन किया गया है और 6 दिन तक चलने वाला यह प्रशिक्षण शिविर नई तालीम शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। MHRD की ओर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक प्रोग्राम है नई तालीम, महात्मा गांधी जी का जो सपना था उसके उस डिपार्टमेंट की कोलेबोरेशन में हमारा डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट करनाल, इन्होंने हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। मैं इस कॉलेज की प्राचार्य हूँ और ये जिम्मेदारी हमने इसलिए, 5 दिन का ये प्रोग्राम है, ये जिम्मेदारी हमने इसलिए ली क्योंकि हमारे पास सभी टीचर एजुकेटर्स हैं। टीचर एजुकेटर मीन्स जो आगे फर्दर स्कूल्स में जाने के लिए टीचर्स तैयार करते हैं। तो नई तालीम जो गांधी जी ने सोचा था आज वो बहुत पुरानी हो गई है, मीन्स कहीं कहीं खो गई है, धूमिल हो गई है। उनका सपना था कि हर कोई व्यवसाय पाए, उसका आर्थिक रूप से अपने आप को सक्षम बनाए। शिक्षा सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, बच्चा खुद करके सीखे, वो जब जिस एनवायरनमेंट में सीखे, जिस स्कूल में, जिस जगह वो सीखे, वहाँ सब कुछ करके सीखे, चाहे वो पौधों को लगाना है, चाहे वो खाना बनाना है, चाहे वो सफाई करना है, वहाँ टीचर और स्टूडेंट्स सभी मिलकर, कोई गैप नहीं है, सभी मिलकर काम करते हैं। जो श्रमदान का कंसेप्ट है कि सबको रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी फॉर ऑफ लेबर जो है वो समझने की बात है, वो इनका कंसेप्ट है। दूसरी मुख्य बात थी कि मातृभाषा में बच्चे को नॉलेज दी जाए, ज्ञान सिखाया जाए, क्योंकि जब हम किसी और भाषा में बात करते हैं तो बच्चे को वो भाषा आती नहीं है, वो भाषा उसकी अवरोधक बन जाती है, वो सीख नहीं पाता। उसको आता बहुत कुछ है, वो बता इसलिए नहीं पाता क्योंकि वो भाषा नहीं आती जो स्कूल चाहता है। जैसे आजकल हम अंग्रेजी की बात करें, हमारे बच्चों को बातें बहुत पता हैं बट वो अंग्रेजी नहीं आती, इसके क्लास में वो जवाब नहीं देता, तो इस तरह से उसका जो सीखना है उसकी नॉलेज वहीं रुक जाती है और वो उसका कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। इन सब चीज़ों को समझते हुए आज हमारे टीचर एजुकेटर्स के लिए ये हमारे डीएवी मैनेजमेंट की ओर से, डीएवी कॉलेज की ओर से ये प्रोग्राम 5 दिन के लिए किया। इस 5 दिन के अंदर हमारे सभी टीचर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, 40 पार्टिसिपेंट्स हैं, अलग अलग पूरे हरियाणा के अलग 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 क्षेत्रों से बच्चे टीचर्स आए, टीचर एजुकेटर्स आए हैं और ये एक दिन गाँव के एक स्कूल में जाएंगे और एक दिन एक गांव में जाएंगे, एक दिन गांव में जो कॉलेज है वहां जाएंगे, वहां ये पढ़ाएंगे भी। वहां पर देख पहले तो उनको देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके बाद जो गैप है हम यहां अपने बच्चों को जो सिखा रहे हैं और वहां जो रिक्वायर्ड है फील्ड में वो सीखेंगे भी और वहां पूरे कम्युनिटी से कम्युनिकेट भी करके आएंगे, वहां काम करके आएंगे। आज इस चीज़ की प्लानिंग है, कल एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे हम। 5 दिन तक ही जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, आज पहला दिन है, 3 दिन जाएंगे, एक दिन स्कूल में जाएंगे जो गांव में स्कूल है, गांव में गवर्नमेंट स्कूल है, हम गांव में अगर कोई प्राइवेट स्कूल है वहां नहीं जाएंगे जी। और उसके बाद जो हमारा गांव में कोई कॉलेज है वहां जाएंगे। आज वही डिसाइड करेंगे कि कौन से स्कूल में जाएं, कौन से, 5 अलग अलग टीम्स बनेंगी, हर टीम अलग अलग जगह जाएगी और वहां पर ये इसका सारा पर्पस ये है कि खुद से जब फील्ड में जाकर यहां पर कितने मेंबर होते हैं, एक टीम में कम से कम 6 से 7 तक है, अगर हमारे पास ज्यादा पार्टिसिपेंट होंगे तो हम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ज्यादा बना देंगे। तो इस तरह से ये टीम में काम करेंगे और उससे इनको ये पता चलेगा जो यहाँ हम किताब में बैठकर पढ़ा देते हैं रियल फील्ड में कुछ और ही है और वहाँ जो चाहिए वो जो गैप है उस गैप को फिल करने की ज़रूरत है। आज से हमारे कॉलेज का सेशन स्टार्ट हो रहा है तो अभी 5 दिन ये वर्कशॉप करने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि हमारे टीचर्स और बेहतर बनेंगे और बेहतर चीज़ें सीखेंगे और आने वाले भविष्य के जो हमारे शिक्षक हैं और बेहतर तरीके से उनको बना सकेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।